बीते चार दिनों में मुंगेली प्रदेश का कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। प्रवासी मजदूरों के कारण लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं इनकी सेवा में लगे ग्राम पंचायत सचिव भी संक्रमित पाए गए हैं। बीते चार दिनों में मुंगेली प्रदेश का कोरोना हॉटस्पॉट बन गया है। प्रवासी मजदूरों के कारण लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं इनकी सेवा में लगे ग्राम पंचायत सचिव भी संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। तो वहीं मुंगेली जिले की बात करें तो कुछ दिनों पहले तक यहां एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं थे, लेकिन पिछले चार दिनों में 43 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मुंगेली ब्लॉक में पिछले दिनों में 13 मरीज मिले थे, जिसके बाद सोमवार को 26 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से एक पुणे, नागपुर और लखनऊ से वापस आया था। कुधुरताल, चतरखार, रामपुर, महाराणा प्रताप वार्ड मुंगेली, मोहहंडा, छाता, खैरा, टेढ़ा धौरा, बाघामुड़ा पंचायत के कुल क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए हैं। तो वहीं मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद देर रात को ही जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें उपचार के लिए रायपुर रिफर कर दिया गया है। साथ ही उनके संपर्क में जितने भी प्रवासी मजदूर क्वारंटाइन सेंटर में थे, उनका भी सैंपल लेकर रायपुर एम्स जांच के लिए भेजा गया है। जिस तरह से जिले में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे लगता है कि आगे जिला प्रशासन के लिए काफी चुनौतियां रहेंगी, जिससे प्रशासन को सामना करना पड़ेगा। इधर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि 40 प्रवासी श्रमिक आगरा से आए थे, उन्हीं में से 26 का एक ग्रुप पॉजिटिव पाया गया है। सभी 26 प्रवासी श्रमिक क्वारंटाइन सेंटर में हैं। कार्रवाई करने के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। हमने बड़ी संख्या में सैंपल परीक्षण के लिए भेजा है, तो सैंपल का रिपोर्ट आना स्वाभाविक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए घर पर ही रहे, बाहर न निकलकर प्रशासन को सहयोग करे व स्वयं को सुरक्षित रखे। नए मिले 26 मरीजों में से 6 मरीज बाघामुड़ा, रामपुर से 5, खैरा से 3, मोहहंडा से 1, छाता से 4, टेढ़ा धौरा से 7 हैं। वही मंगलवार को भी मुंगेली से 4 और नए मामले सामने आए हैं, जिससे संख्या 43 तक जा पहुंची है। मुंगेली में गुरुवार तक पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। वहीं एहतियात के तौर पर सभी सरकारी भवनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। बाघामुड़ा के ग्राम पंचायत सचिव को भी कोरोना पुष्टि होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। अभी बड़ी मात्रा में बाहर से प्रवासी मजदूर जिले में आ रहे हैं। अभी लगभग 30,000 की संख्या में प्रवासी मजदूर जिले में आ चुके हैं और भी संख्या में प्रवासी मजदूर को आना अपेक्षित है। इसमें से ही एक व्यक्ति जो बाहर राज्य से आए थे, वो कल संक्रमित पाए गए। आप लोग सभी लोगों से आग्रह है कि जो प्रवासी मजदूर है, ये सब हमारे भाई है, इनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के क्वारंटाइन सेंटर्स में की जा चुकी हैं। तो इन क्वारंटाइन सेंटर्स को, क्योंकि गांव के मध्य परिसर में नहीं रखा है, इनको गांव के बाहर के सीमाओं के परिसर में रखा है, तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि इन क्वारंटाइन सेंटर के परिसर में किसी भी प्रकार का आवागमन ना करें, क्वारंटाइन सेंटर्स में स्थित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। जो मजदूर भाई, जो साथी हमारे जो क्वारंटाइन सेंटर्स में अभी रुके हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि किसी भी प्रकार से ग्रामीण या शहरी वासियों के संपर्क में ना आए। और जो ग्रुप्स क्वारंटाइन सेंटर्स में अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, उन क्वारंटाइन सेंटर्स के अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के बीच में आप संपर्क में ना आए। क्वारंटाइन सेंटर्स में बेसिक सुविधाएँ प्रोवाइड करने के लिए, जो बेसिक सुविधाएँ देने के लिए ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जा चुका है, और जो बेसिक सुविधाएँ सभी क्वारंटाइन सेंटर्स में उपस्थित मजदूरों को मिलेगी। परंतु एक समय है अभी, जिसमें हम लोगों को, सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है, और मेरी अपेक्षा है कि हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कोरोना से हम लोग जल्दी ही जिले को फ्री करेंगे। सो जो सभी जिलावासी हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि सार्वजनिक जगह पर जाने का केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही जाना है, और सार्वजनिक जगह पे जब भी आप जाएंगे, तब जो आवश्यक सावधानियां हैं उसको आपको बरतना है, जिसमें मुख्य रूप से मास्क का उपयोग, सैनिटाइजेशन या फिर साबुन से बारंबार हाथ धोना, और फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आप सभी लोग एक साथ, प्रशासन के साथ, हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, तभी हम लोग इस कोरोना के जंग को जीत सकते हैं।